कुछ 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 अगर बात करें अजय देवगन की तो उसकी एक्टिंग आपको कैसी लगी? अच्छी लगी अजय देवगन की एक्टिंग। कोई फेवरेट सॉन्ग है? और मूवी अच्छी है, मजा आया। कोई स्टोरी लाइन कैसी लगी? स्टोरी लाइन कैसी? एक बार देख सकते हैं। अच्छी बेस्ट एक्टिंग किसकी लगी इसमें? सबकी अच्छी है, पप्पू अजय देवगन। तो लव रंजन की जैसे मूवी है वैसे कॉमेडी पंचेस डायलॉग्स वगैरह थे क्या? सॉन्ग ज़्यादा अच्छी नहीं है, अच्छी सोसो है, पर मूवी बहुत अच्छी है। फाइव। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। व्हाई ब्यूटीफुल? व्हाट वाज़ द बेस्ट इन द मूवी? एवरीथिंग इज़ बेस्ट। एवरीथिंग इज़ बेस्ट। यस एवरीथिंग इज़ बेस्ट। आफ्टर लॉन्ग टाइम वाचिंग इट इज़ गुड। ओके प्यार का पंचनामा वाली कास्ट है इसमें, आलोक नाथ एंड लव रंजन की मूवी है। नहीं नहीं वेरी ब्यूटीफुल। अलग सब सर अलग हो, प्यार का पंचनामा अलग होती है। दिस इज फॉर एल्डरली पीपल, मींस पीपल अबाउट 50। ओके दे विल फील लाइक फीलिंग यंग अगेन। आपको मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया। आई लाइक इट। ब्यूटीफुल। ओके थैंक यू। कितने स्टार देना चाहोगे सर? फुल 5। 5 क्या, 7 दे दूंगा मैं तो। ब्यूटीफुल। फुल एंटरटेनमेंट। मूवी ऐसा है कि ये मूवी में कॉन्सेप्ट नया है जो अभी तक दिखाया नहीं गया है। कुछ विशेषता नहीं है इसमें, लेकिन कम उम्र की लड़की को उससे डबल उम्र के लड़के के साथ प्यार हो जाता है और वो कोशिश करती है शादी करने की, और कितनी प्रॉब्लम होती है उस लड़के की, पुरानी एक्स वाइफ है, बच्चे हैं, फैमिली है, घर है, उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना, वही दिखाया है इसमें। बेस्ट एक्टिंग तो अजय देवगन की बहुत अच्छी है, तब्बू ने भी बहुत अच्छा रोल किया है। बेस्ट एक्टिंग अगर आप बोलेंगे तो ये जो हीरोइन है उसकी लगी। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमारे देश में अभी तक ये कॉन्सेप्ट आया नहीं था, अब आ रहा है और धीरे धीरे लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और न्यू जनरेशन इसको मानती भी है और इसको बहुत लाइटली लेती है। पहले ये बहुत बड़ी बात थी कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा लड़का और इतना बड़ा गैप, ये बात कैसे हो सकती है। आज ज़माना बदल गया है और लोगों ने एक्सेप्टेंस चालू कर ली। सॉन्ग में तो देखिए कुछ अच्छे सॉन्ग नहीं है इसमें, दो पंजाबी सॉन्ग है उसमें कोई दम नहीं है, दारू पी के गाती है और वो खाली ऐसे ही है, टाइम पास है। एक गाना अच्छा है जब ये लोग जब बिछड़ते हैं तो एक अच्छा गाना आता है। आउट ऑफ 5 3 दूंगा, क्योंकि कॉमर्शियली हिट होगी कि नहीं ये थोड़ा डाउटफुल है।